fellow student, today we start the second unit, that is time response analysis. In that second unit, today's lecture we cover, that is the time response, transient response, steady state response and standard test inputs. Okay, so see the first, that is one is the transient response of control system. Okay, in that we see the definitions, three definitions, it is important definition, that is time response. Okay, first we see the definition of time response. Is the definition that the response given by the system, which is a function of time to applied excitation, is called time response of the system. Okay, time response of the system kya hota hai? ऐसा रिस्पॉन्स कि जो कि क्या करता है, सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं, गिवन टू द सिस्टम विच इज द फंक्शन ऑफ टाइम, और वो जो हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो क्या रहता है, इट इज द फंक्शन ऑफ टाइम, और वो किसको अप्लाई करेंगे, एक्साइटेशन मीन्स जो भी अपनी क्या है रिस्पॉन्स है आउट ऑफ कंट्रोल होता है उसको एक्साइटेशन हम लोग बोल सकते हैं, तो उसको देंगे, वो जो टाइम है लगता है आपको रिस्पॉन्स को, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द टाइम रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम. ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है, दैट इज ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट टाइम रिस्पॉन्स. देन डेफिनेशन इज दैट द आउटपुट वेरिएशन ड्यूरिंग द टाइम द सिस्टम टेक्स टू एक्टिव इट्स फाइनल वैल्यू इज कॉल्ड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स. ठीक है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स हम लोग किसको बोलते हैं, आउटपुट में जो भी वेरिएशन आ रहा है ड्यूरिंग जो हम लोग टाइम रिस्पॉन्स दे रहे हैं किसको, सिस्टम को, द टाइम द सिस्टम टेक्स टू एक्टिव, उसके वजह से क्या हो रहा है, आपकी जो सिस्टम है वो कैसी हो रही है, एक्टिव हो रही है, एक्टिव इट्स फाइनल वैल्यू. फाइनल वैल्यू में क्या हो रहा है, वो एक्टिव हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स. ओके, तो ये हो गए ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स की डेफिनेशन. उसके बाद देखेंगे स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स. स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स में आपको देखो क्या दिख रहा है, इधर स्टेप है और इधर टाइम है, तो एक पर्टिकुलर इस पे क्या हो रहा है, वो डाइड आउट मीन्स कुछ भी नहीं आ रहा है देखो इधर. तो डेफिनेशन है, स्टेडी स्टेट हम लोग डिनोट करते हैं CSSOT, और ट्रांजिएंट टाइम रिस्पॉन्स जो डिनोट करते हैं वो है CT of T. ओके, तो डेफिनेशन है देखो, द पार्ट ऑफ रिस्पॉन्स दैट रिमेन्स आफ्टर द ट्रांजिएंट हैव डाइड आउट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स. डाइड आउट मीन्स कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सब कुछ क्या हो गया है, चला गया, डाइड आउट हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज अ स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स. ओके, दीज आर द थ्री इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन. सो ओके, सी दीज आर द थ्री डेफिनेशन विच आर इम्पॉर्टेंट, टाइम रिस्पॉन्स, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एंड स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स. ओके, ऑलरेडी एक्सप्लेन इन अ डायग्राम. ओके, सो आफ्टर दैट वी सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इनपुट, स्टैंडर्ड इनपुट टेस्ट. ओके, okay, see, this is also important topic exam point of view, that is standard test inputs. Okay, in that there are four standard test inputs, that is step input, ramp input, parabolic input and impulse input. Okay, in that we see in comparison form, so that we write in a separate question or in comparison form question. Okay, so see the fourth test inputs. First of all, see the standard equations. Standard equation of step input, that is R of t is equals to A dot u of t. Okay, then ramp input, it is R of t is equals to A dot t. Then parabolic input, it is A by 2 t square, and impulse input, it is A. Okay, in that A is a sum value which is put, that is 1 0 form. Okay, after that we see the next, that is
Laplace transform of that, it is R of s is equals to A by s, then RAM input it is A by s square, then parabolic input A by s cube, and impulse it is 1 because it is A. Okay, then after that we see the type of functions use, means step input हम लोग कहाँ पे use करते हैं, in position इसमें, ठीक है, कौन से system में अगर position आपको find out करनी हो, ramp input, velocity, parabolic input, acceleration और impulse दो input है, उसका कोई भी specific जो है, वो function नहीं है, type of function नहीं है, ठीक है, उसके बाद में देख ये जो है फिगर्स फॉर्म में है, देखो ये है स्टेप इनपुट का, ठीक है, और एक्स और वाई सेम है सभी, इसमें सिर्फ इसके जो डायग्राम्स में हैं वो क्या डिफरेंस है वो भी हम लोग जो है डेफिनेशन की इस पे देखेंगे. तो ये डेफिनेशन से देखो स्टेप इनपुट की है, देखो दिस इज अ सिग्नल इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल चेंजेस फ्रॉम जीरो टू स्पेसिफाइड लेवल इन नो टाइम और द जीरो टाइम. मीन्स क्या हो रहा है, आपका जो सिग्नल है वो कैसे चेंज होता है जीरो टू स्पेसिफाइड वैल्यू, ठीक है, और उसको जो टाइम लगता है वो भी जीरो टाइम लग सकता है. तो वो जो है वो क्या रहता है स्टेप इनपुट. रैम्प इनपुट का देखो द स्टेट एट ए वैल्यू ऑफ जीरो एंड इंक्रीज एट ए कॉन्स्टेंट रेट ऑफ टाइम, मीन्स जीरो से स्टार्ट होके वो क्या हो रहा है कॉन्स्टेंट रेट ऑफ टाइम से वो इंक्रीज हो रहा है, तो वो होता है रैम्प इनपुट. ओके, उसके बाद में पैराबोलिक में देखो, पैराबोलिक इनपुट सिग्नल इज अ फास्टर देन रैम्प सिग्नल इनपुट. ओके, रैम्प इनपुट सिग्नल से क्या होता है वो फास्टर, मीन्स रैपिडली देखो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है. देन इम्पल्स में देखो, इम्पल्स इनपुट सिग्नल इज बेसिकली शॉर्ट ड्यूरेशन एंड वेरी हाई एम्पलीट्यूड पल्स. अभी इसका देखो ड्यूरेशन कैसा है, टाइम कैसे लग रहा है, बहुत कम लग रहा है, शॉर्ट ड्यूरेशन लग रहा है. ओके, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड कैसी है, ये जो है एम्पलीट्यूड कैसी लग रही है उसको, ज्यादा लग रही है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं इम्पल्स इनपुट. ओके, सी द लास्ट पॉइंट दैट इज, ये आपको किस लिए यूज करना पड़ता है, लैपलास निकालने के लिए अगर वन और जीरो रखना पड़ता है वैल्यू यू ऑफ टी की. तो यहाँ पे देखो यू ऑफ टी अगर वन रहा तो जो टी है वो ग्रेटर देन जीरो रहता है. ओके, और यहाँ पे यू ऑफ टी जीरो रहा तो टी लेस देन जीरो रहता है. किसमें, स्टेप इनपुट में. रैम्प इनपुट में क्या होता है, आर ऑफ टी इज इक्वल्स टू ए डॉट टी रहता है, तो टी यहाँ पे क्या रहेगा, ग्रेटर देन जीरो रहेगा. और आर ऑफ टी अगर जीरो रखा तो टी जो है वो लेस देन जीरो रहेगा रैम्प इनपुट में. पैराबोलिक इनपुट में क्या रहेगा, आर ऑफ टी अगर ए बाय टू इंटू टी स्क्वायर रहा तो उसका जो लिमिट है वो क्या रहेगा, रेंज रहेगा टी ग्रेटर देन जीरो रहेगी. आर ऑफ टी इज इक्वल्स टू जीरो रहा तो टी कैसे रहेगा, लेस देन जीरो. और इधर इम्पल्स इनपुट में आर ऑफ टी ए रहा तो टी क्या रहेगा, इक्वल्स टू जीरो रहेगा. और आर ऑफ टी अगर जीरो रहा तो टी नॉट इक्वल्स टू जीरो रहेगा, ठीक है. तो ये सब हो गए कंपैरिजन के पॉइंट्स. और आपको सेपरेट क्वेश्चन भी आए तो आपको इस यही पॉइंट को क्या करना है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन फॉर्म में लिखना है. ओके, सो थैंक यू.